सोलन में सीवरेज लाइन पर करीबन 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन इसका फायदा सोलन में करीबन 800 परिवार ही कर पा रहे हैं। ये योजना पूरी तरह असफल हो चुकी है। नगर परिषद और आईपीएच विभाग के अधिकारी इस योजना को सफल बनाने के लिए किसी भी तरह के प्रयास करते भी नजर नहीं आ रहे हैं। ज्यादातर लोग इस योजना के तहत कनेक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन कागजी कार्रवाई इतनी है कि लोग कनेक्शन के लिए अप्लाई करने से भी डरते हैं। सोलन में सीवरेज लाइन पर करीबन 100 करोड़ की राशि खर्च की जा चुकी है, लेकिन इसका फायदा सोलन में करीबन 800 परिवार ही कर पा रहे हैं। ये योजना पूरी तरह से असफल हो चुकी है। नगर परिषद और आईपीएच विभाग के अधिकारी इस योजना का सफल बनाने के लिए किसी भी तरह के प्रयास करते हुए नजर नहीं आ रहे। ज्यादातर लोग इस योजना के तहत कनेक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन कागजी कार्यवाही इतनी है कि लोग कनेक्शन के लिए अप्लाई करने से भी डरते हैं। गौरतलब है कि एक कनेक्शन लेने के लिए नगर परिषद, आईपीएच और लोक निर्माण विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से लोग कनेक्शन लेने से भी कतराते हैं। यही कारण है कि सीवरेज की पाइपें सीधे नालियों में छोड़ी गई हैं और शहर की खुली नालियों में ये गंदगी तैरती रहती है। नालियों से फैलती दुर्गंध शहर वासियों के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बनी हुई है। हैरानी वाली बात तो ये है कि जहां लोग कनेक्शन लेने के इच्छुक हैं, वहां भी विभाग कनेक्शन देने के लिए आनाकानी कर रहा है। ऐसा ही मामला हॉस्पिटल रोड का है, जहां स्थानीय लोगों ने सीवरेज कनेक्शन लेने के लिए कई महीनों से पैसे भी जमा करवाए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कनेक्शन नहीं दिया गया है। कनेक्शन ना होने की वजह से सीवरेज सीधा नालियों में आ रहा है और दुकानों के आगे से जाता है, तो लोगों का व्यवसाय करना भी मुश्किल हो चला है। कई दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर यहाँ से पलायन कर चुके हैं, लेकिन विभाग है कि कुंभकर्णी नींद से नहीं जाग रहा है, जिसका खामियाजा शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। और हमारी कॉलोनी के सीवरेज का कोई भी काम करा नहीं रहा, जो भी आता आके देख के चला जाता है, काम करने का कोई नाम नहीं ले रहा है। हमारी सीढ़ियों हमेशा गंदी रहती है, कोई कर्मचारी नहीं आ रहा इसमें सफाई करने के लिए। सर, मेरा नाम अमित कुमार है, मेरी एक दुकान है, यहाँ पर मिल्क शॉप है, यहाँ पर मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं। सर, यहाँ पर ये नालियाँ बहुत गंदी बदबू आ रही है। सर, यहाँ पर लोग भी बोलते हैं, यहाँ सुबह लोग दूध लेने आते हैं, लोग बोलते हैं यहाँ पर गंदगी बहुत है, बहुत बदबू आ रही है, बहुत दिक्कत आ रही है। हम दुकानदार हैं यहाँ पर, हमने दुकान खाने से रिलेटेड हमारा काम है, मक्खियाँ मच्छर सर आ रहे हैं यहाँ पर, तो लोग गंदगी से बीमार हो रहे हैं, हमारी दुकानदारी पे भी इससे प्रभाव पड़ रहा है। सर, इसमें कोई भी कार्य यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर अभी एक खड्डा था, इसको थोड़े दिनों में बंद कर दिया गया है, लेकिन फिर भी इसमें बदबू से कोई भी आराम नहीं मिल रहा है। मैं राजीव राठौर, और मेरा यहाँ पे ऑफिस है फार्मास्यूटिकल का, तो यहाँ पे इस नाली की इतनी गंदी पोजीशन है, बहुत गंदी गंदी स्मेल आती है। जब यहाँ से लोग गुजरते हैं तो सारे को मुंह को ढक करके आना पड़ रहा है यहाँ पे। तो मेरी यही अपील है कि इस नाली को जल्दी से जल्दी इसकी मरम्मत की जाए, नहीं तो लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ पे लोगों की शॉप्स भी है, उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, कस्टमर उनके पास आ नहीं पा रहे, उनकी सेल भी सफ़र हो रही है, उन लोगों को दूसरी शॉप में जाना पड़ता है ड्यू टू इस गंदी नाली की वजह से। मेरा नाम संतोष है और हमारी कॉलोनी का नाम बक्सोरा कॉलोनी है, हॉस्पिटल रोड, और ये खड्डा इन्होंने 2 महीने पहले खोदा और ऐसे ही पड़ा रहा। 2 दिन उन्होंने काम किया, उसके बाद इसमें गिरने का सीढ़ी वगैरह खोद के चले गए, और यहाँ वो जैसे हमने ये फोटो खींच के उसमें डाली और इन्होंने 14 तारीख को ये बंद कर दिया खड्डा आकर। अच्छा। रात को भर गई, क्योंकि 15 को बिंदल जी ने आ रहा था, उन्होंने चेक करना था यहाँ से, तो ये ऐसे किया। और अभी तक यहाँ सीवरेज का काम अभी तक नहीं हुआ, पैसे भी भरे हुए इन्होंने वहाँ, 2 साल से भी ज़्यादा हो गया। आई पी एस में वो दिए फार्म अपने सबने दिए भाई,